हम सभी चारों तरफ परमात्मा के द्वारा ईश्वर के सानिध्य में बादल जल की बूंदों को, फुहारों को, हमारे जिले को, हमारे राष्ट्र को आनंदित कर रहे हैं। ऐसे पवित्र मौसम में हम सभी भोजपुर जिले के दक्षिण कोना गांव में योग शिविर का आनंद ले रहे हैं। यह आपके और आपके गांव के लिए एक ऐतिहासिक दिन है कि ऐसे पवित्र मौसम में योग शिविर का आनंद लेना शायद आपके जीवन में पहली घटना होगी। तो आइए आज मैं आपको आसनों के क्रम में गोमुख आसन का अभ्यास करवाएंगे और उसके लाभ और उसके विधियों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो वज्रासन में बैठते हैं। अब बाएं पैर के एड़ी पर गुदा द्वार को रख लेते हैं। शौच के रास्ते को बाएं पैर की एड़ी पे रख लेना है। अब दाहिने पैर को ऊपर से रख लिया। अब जो पैर आपका ऊपर है दाहिना, तो दाहिना हाथ ऊपर उठाएंगे और बाएं हाथ को नीचे से यानी पीछे से घुटा करके और पकड़ लेते हैं पीठ की तरफ से। अभ्यास करिए धीरे धीरे। इस आसन का नाम है गोमुख आसन। अब इससे सांस भरा हुआ है, ऐसा अभ्यास करेंगे तो जीवन में कभी हार्ट अटैक की बीमारी नहीं होगी, ऐसा अभ्यास करेंगे तो कभी हर्निया नहीं होगा, ऐसा अभ्यास करेंगे तो कभी बवासीर नहीं होगा, ऐसा अभ्यास करेंगे तो बाजू में ताकत हमेशा रहेगी, ऐसा अभ्यास करेंगे तो कभी हार्ट अटैक नहीं होगा, ऐसा अभ्यास करने से हमारा वक्ष स्थल बहुत ही मजबूत होता है और ऐसा अभ्यास करने से जांघ जितना मोटा है वो धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आ जाता है। अब इसको पलट देते हैं। एक बार बायां से किया तो दाहिने पैर पर बैठ गए। अब दाहिने पैर केड़ी को बैठ गए। अब बाएं पैर को ऊपर रख लिया। अब जब बायां पैर ऊपर है तो बायां हाथ को ऊपर ले गए। अब दाहिने हाथ को नीचे से ला करके पीछे से और पुनः पकड़ लिया। इसको बनाइएगा ये इसमें सांस रुका हुआ है। बहुत बढ़िया अभ्यास, बहुत पवित्रता के साथ अभ्यास। ये का अभ्यास करने से आपको मैंने तीन बीमारियों में लाभ बताया। अब धीरे धीरे वापस आ जाते हैं। करो फोटो किया था ना, बाहर का भी ले लेंगे इसको और का भी ले लेंगे। सीधा बोल।